नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो समूह टू उप समूह टू की जो अभी वैकेंसी निकली है। तो इससे पहले जो है ये 2018 में एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 2018 अगस्त में हुआ था और फर्स्ट के ये क्वेश्चन है। तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो देखने को ऐसे ही मिलेंगे आने वाले जो आपके पेपर है, नवंबर में जो है इसका एग्जाम होना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें और आप 15 में से 15 नंबर आसानी से ला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आराम से आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे आपके अपने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए अगर आपको पता हो तो 90 से 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई कोण होता है तो उसे बोलते हैं हम न्यून कोण, है ना। न्यून कोण बोलते हैं जिसे, हम बोलते हैं न्यून कोण जिसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। वही बात की है, 90 से अधिक हो और 180 से के बीच में हो तो आपको ये क्या देखने को मिलेगा। पहले हम 90 की बात कर लेते हैं। भाई ये 90 डिग्री कोण बनता है तो उसे हम बोलते हैं समकोण, समकोण। और 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से अधिक हो और 180, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, अधिक कोण। और अगर आपसे 180 से 360 के बीच में कहा जाए तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, या कहा जाए प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो याद रख लेना, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ओके सब चाहिए, चलो देखिए इसमें हमें नीचे दिए गए अनुक्रम के पद हर बार समान मात्रा में बढ़ता है, पहला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये पद निकालना है समान मात्रा में, तो इसे आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन रखता हूँ 5 और ये 12 है, और तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं 7 का अंतर देखता हूँ, है ना, तो 7 का अंतर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो ये 19 होना चाहिए। फिर 7 का अंतर देखूंगा यहाँ पर तो ये कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए, और यहाँ पर हमें 1 का है तो ये गलत हो जाएगा। फिर 5 इसके स्थान पर पहला टर्म नहीं होगा। हमसे ये बोला है कि हर बार मात्रा में बढ़ता है, हर बार समान मात्रा में बढ़ता है तो पहला पद ज्ञात करना है। 17 रखोगे 17 भी नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर बड़ा है ये छोटा हो जाएगा फिर, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। 7 रखता हूँ मैं, 7 12, इसके बीच देखिए 5 का अंतर आ रहा है, फिर यहाँ पर 5 का अंतर आना चाहिए यानी ये 17 होना चाहिए, फिर यहाँ पर देखोगे 5 का अंतर आना चाहिए यानी ये 22 होगा, और ये 27 है तो यहाँ पर भी 5 का अंतर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नंबर सीरीज से आप समझ सकते हो, मिसिंग नंबर सीरीज जो रहती है रीजनिंग में वही रहती है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1/7 के दशमलव विस्तार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आप जो देख रहे हो 1/7, तो इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो जो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे तो वो कितने तक आएंगे और उसके बाद फिर रिपीट होने लगेंगे, तो वो हमसे पूछा गया है। तो जैसे कि 1 है तो 7 से डिवाइड करूंगा, दशमलव लगेगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 7 × 1 = 7 = 3 आ जाएगा, दशमलव लगाइए 0, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाऊंगा, 7 × 2 = 14। फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 56 = 40। 7 × 6 = 42, 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा। फिर आ जाएगा 5, 0, 7 × 7 = 49, 49। फिर बचेगा 1। अब देखिए 1 से ही स्टार्ट हुआ था, 1 फिर आप आ गया, तो मतलब इसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट होने लगेगी, 5 7, है ना। फिर आप देखोगे फिर 1 आ जाएगा तो 4 1 4 2 8 5 7, ये फिर से, यानी आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रही है, तो कितनी रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ जाएगा हमारा 6 ऑप्शन। तो यही हमसे पूछा गया था, जो संख्या होंगी उसके बाद कितनी बार जो है फिर से रिपीट होनी है, तो पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो होगी वो हो जाएगी हमारी 6।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि हमें रूट सिक्स का मान 2.4495 दिया हुआ है तो हमसे पूछा गया है कि अंडर रूट 150 बाई 2, तो पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वही अंडर रूट को 150 बटा 2 दिया हुआ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में? देखिए 10 गुणा 15 कर सकता हूँ, और इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, 5 गुणा 2 कर देता हूँ, इसको भी 5 गुणा 3 कर देता हूँ, है ना। तो देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 तो बाहर आएगा और 2, 3 ये जगह 6 बचेगा, तो डिवाइड बाई 6, तो यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। हमें रूट 6 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, तो 5 × 2.4495 / 2, बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 5 × तो ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 1.22 × 8 = 2714 और 2×5 = 10, ये आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आना चाहिए, देखिए 5 है, 5×5 = 25, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ जो यूनिट डिजिट हमारा 5 दिया हुआ है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 6.12375। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग दिए हुए, तो आसान था हमारे लिए, वरना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया हुआ है x^4 − 3x² + 4x + 5, मैं कौन सी वास्तविक संख्या घटाई जाए कि वह x² − x + 1 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो पहले तो आपको ये जो बहुपद है, जो समीकरण दिया है, पॉलीनोमियल दिया है, तो इसको डिवीजन करना आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ x^4 − 3x² + 4x + 5, किससे डिवाइड करना है मुझे, x² − x + 1, तो यहाँ पर देखिए हमारा x^4 है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही x^4 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, x^2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें पूरी में, है ना। तो यहाँ से देखिए x^2 से मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो ये x^4 हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, तो माइनस का x³ ये हो जाएगा, है ना। ओके x³ ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस एक्स का 1 में होगा x² का, तो ये x² आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये x² है और ये x³ है, तो ये प्लस में है, तो x³ कर लेता हूँ और ये −3x² इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सही है ना, ये हो जाएगा हमारा क्यू और ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको घटा देते हैं ना, इसमें से अगर इसको घटा देता हूँ मैं, ये जोड़ लेते हैं सीधा सीधा, ये माइनस का, ये भी माइनस का है ना, ये माइनस का, ये माइनस का हमारा, ये तो ये x² और ये x², ऐसे अगर मैं यहाँ पर x² कर देता हूँ और प्लस 4x ला दूंगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, सीधा सीधा x² − 4x² + 4x, ये आएगा हमारा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x³ बना है, तो इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, डायरेक्ट लिखता हूँ सीधा सीधा मैं x³ − 4x² + 4x। अब इसमें मुझे यहाँ x³ लाना है, ये x² है, तो प्लस x का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये x³ हो जाएगा माइनस ये x² हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। x का इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा हमारा, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, माइनस का 3x² बचेगा, है ना, ये माइनस का 4x है और ये प्लस का x² है, और यहाँ पर देखोगे ये प्लस का 3x बचेगा। आगे क्या बचा हमारा, 5 है, तो ये भी मैंने यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद हम कितना, देखिए x² लाना है मुझे यहाँ पर 3x², तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि x² हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 3x और प्लस 3, तो देखिए ये प्लस माइनस है ऑलरेडी कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस है, ये भी कट जाएंगे, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। तो हमारा जो, अगर मैं इस संख्या में, ये आप देख रहे हो इसमें, सॉरी संख्या नहीं, इस बहुपद या पॉलिनोमियल में अगर −8 कर देता हूँ मैं, इसमें से −8 घटा देता हूँ, तो मुझे जो है वो पूरी तरीके से विभाजित होगा, किससे, इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि शेषफल हमारा 8 बच रहा है, जो कि हमें जो है वो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाऊं, तो भाई 8 ही घटाऊंगा, क्योंकि शेषफल 8 बट रहा है, तो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो ये थोड़ा याद रख लेना, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यापारी हाईटेक मॉल में एक शोरूम में 27,500 रुपए की एक वस्तु खरीदता है, यदि मूल्य में वेट शामिल है, ठीक है, वेट इंक्लूडेड टैक्स होता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य 25,000 रुपए है, तो वेट प्रतिशत क्या था, मतलब कितना जो है वो इस पर वेट परसेंट लगा है, तो भाई देखिए 27500 है,
लेकिन बच्चों की मूल तो हमारी कितनी है, 25,000 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, एक दो तीन, तो दो पांच, ये 2,500 का आ रहा है। तो भाई 2,500 का जो हिट है किस पे लगा है, मूल प्राइस पर, 2,500 × 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा भाई, 10% आंसर आ जाएगा हमारा, 10%, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा पर बहुत आसान है। एक स्विमिंग पूल का निर्माण समकोण त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है समकोण त्रिभुज ऐसा होता है ना, ये मैंने मान लिया समकोण त्रिभुज। एक भुजा दूसरी भुजा, सबसे लंबी भुजा को छोड़ दो, सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है ये वाली, है ना, तो इसको छोड़ दो, कि लंबाई 5 तिहाई है, 5 तिहाई है, मान लिया मैंने कि ये एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 5/3 हो जाएगी, क्योंकि 5 तिहाई है ये, अगर ये एक भुजा एक्स है तो दूसरी भुजा जो हो जाएगी इस भुजा की 5 तिहाई हो जाएगी, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यदि प्रबंध एक भुजा की लंबाई को 5 मीटर तक बढ़ाता है और दूसरी भुजा की दूसरी भुजा को 2 मीटर तक कम कर देता है, यानी नया अगर मैं भरता हूँ, नया अगर मैं बनाता हूँ, तो देखिए इसमें मैं मान लेता हूँ 2 मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है, इसमें 2 माइनस कर दिया मैंने, और इसमें ये मैं यहाँ पर 5x3 और इसमें मैंने 4 बढ़ा दी, ठीक है ना, 4 बढ़ा दिए, तो हमसे ये पूछा गया है कि स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल समान रहेगा, यानी इसका क्षेत्रफल जो एरिया है, इसका एरिया दोनों का समान रहेगा, तो हमसे ये पूछा गया कि जो परिवर्तन तो परिवर्तन होने से पहले भुजा की लंबाई कितनी है, तो भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई भाई कितनी है, इसमें से एक भुजा की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग भुजा की लंबाई होगी तो जो ऑप्शन में होगा वही हम लगाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब बटा बीस, है ना, जिसे हम बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं बीस, तो वही मैं करने वाला हूँ, तो दोनों को बराबर है तो दोनों के बराबर कर दूंगा, 1/2 × x × ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 तिहाई, है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 इक्वल टू, ये किसके बराबर कर दूंगा मैं, इसके बराबर कर दूंगा x-2 और ये हो जाएगा हमारा 5xy3+4, इसे हमें सॉल्व करना रहेगा तब हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए ये तो कट जाएगा यहाँ पर, ये 1/2 आएगा, है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा हमारा 5x2y3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा x-2 और ये हो जाएगा 5x+12/3, ठीक है ना, आपको दिख तो रहा होगा, मैं थोड़ा इधर इधर हो जाता हूँ, है ना, तो इसके बाद देखिए ये आ गया हमारा, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 से 3 यहीं पे काट देता हूँ पहले मैं, ठीक है ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5x² = इसका 5x का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 5x² - 10x और फिर 12 का करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा +12x और ये -24, तो देखिए इससे ये कट जाएगा और ये 10 का -x है, 10 माइनस और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 2x = 24, तो x = कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखिए हमारा ये इसकी वैल्यू हमारी 12 है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 12 रखूंगा, 12 5/3 यानी 3 × 12 यानी ये हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, है ना, देख लो भाई 12 तो ऑप्शन में है नहीं है, 20 दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, 20 दिया हुआ है, तो एक भुजा हमसे पूछी गई तो ये वाली भुजा दरअसल दी हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसा क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ के पास कागज की एक कुछ अतिरिक्त सीटें हैं, ठीक है ना, कागज की एक सीट है मतलब पूरी सीट है जो वह एक साथ पिन करता है, ठीक है, एक साथ पिन करता है और बिक्री के लिए वह रफ कॉपियां बनाता है, एक सीट में 8 पृष्ठों को काटा जाता है, यानी एक सीट है, एक सीट को रफ कॉपियों के 8 पृष्ठों में काटा जाता है, तो 8 पृष्ठों में काटा जाता है और एक रफ कॉपी जो है वो 20 पृष्ठों में, यानी जो कॉपी बन रही है वो 20 पेज की है। यदि रफ कॉपियां बनाने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त सीटों की संख्या हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर 7,500, तो ऐसी कितनी रफ कॉपियां बनाई जा सकती हैं। तो देखिए एक सीट में 8 पेज बन रहे हैं, तो एक कॉपी में 20, तो मतलब अगर मैं देखूं तो 8×5=40 होता है, यानी दो सीट में नहीं, देखिए अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, 5 से यहाँ पे कर देता हूँ, तो 5 सीट = 40, यानी 5 सीट में हमें 2 कॉपी मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही, भाई एक कॉपी में 20 पेज हैं, तो 40 कॉपी मतलब 40 पेज में मतलब 2 कॉपी मिल जाएंगी, यानी 5 सीट में हमें 2 कॉपी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर हमें जो सीट है वो इतनी है,
तो एक सीट बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 5 बराबर 2 हो जाएगी, दो कॉपी, क्योंकि हमें कॉपियों की बात की गई है, पृष्ठों की बात नहीं की गई। तो 5 सीट में 2 कॉपी बन गई, तो 1 सीट में 5 बटा सॉरी 2 बटा 5, ये 2 बटा 5 हो जाएगा, 2 बटा 5। लेकिन हमें जो सीट है वो कितनी हमारी, 7,500, तो 7,500 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। इसमें देख लेते हैं भाई कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 = 5 और कितना, 5×25 = 0, यानी 3,000, 3,000 हो जाएगा आंसर इसका, 3,000 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखिए एक सीट में 8 पेज बन रहे हैं, एक कॉपी जो है वो 20 पेज की बन रही है, तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं 5 सीट ले लेता हूँ तो मुझे 40 पेज मिल रहे हैं, तो 40 पेज मतलब 2 कॉपी हैं, क्योंकि एक कॉपी जो है वो 20 पेज की है, तो 5 सीट में 2 कॉपियां बन रही हैं। हमारे पास सीट है कितनी, 7,500, तो 1 सीट में 2/5 जो है वो कॉपियां बनेगी, तो 7,500 में कितनी बनेगी, 3,000 कॉपियां बनेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। लॉजिकली मतलब इसमें ऐसा आप नॉर्मली इसे क्वेश्चन को कर सकते हो, अलग से ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सीधा सीधा बोल दिया कि इतना 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 इतना, तो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, संजू 10 किलो केले, 10 किलो केले, किलो ओके, किलो में भी बिकते हैं केले और दर्जन में भी बिकते हैं, है ना, कई जगह देखा होगा आपने किलो में बिकते हैं और दर्जन में। तो 10 किलो केले जो है वो कितने, 300 रुपए में बेच रहे हैं वो, ये कौन है, संजू है, संजू। और 12 किलो केले जो है वो कितने, 480 में, तो ये है अंजू, ये भाई अंजू है। और 15 किलो 3,000 में, तो ये कौन है, अंजलि है, ये अंजलि। वही बात की जाए तो 20 किलो केले जो है वो 200 रुपए में, ये कौन है, अंजनी है, ये अंजनी है, ठीक है, अंजलि और अंजनी अलग अलग है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से बेहतर सौदा किसका हुआ, तो इसमें देखिए 1 किलो केले कितने के पड़ेंगे, ये 30 रुपए के, और ये कितने के पड़ेंगे, 12×48 40 के, और ये कितने के पड़ेंगे, 20 के, और ये कितने पड़ेंगे, 10 के। तो भाई इसका काम सही है, 1 किलो केले इसने 10 रुपए में ही खरीद लिए, या किसने, अंजनी ने, ठीक है, अंजनी। आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, अंजनी। नेक्स्ट, चलिए सही है ना, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 1 से 10 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का विभाज्य हो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर डिविजिबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जितनी भी देखिए 1 से लेके 9, 10 तक की जो संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सब का आप एलसीएम ले लो, तो जो एलसीएम आएगी वही हमारी जो है वो संख्याएं होंगी, वही वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या होगी जो 1 से 10 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं द्वारा विभाजित होगी, है ना। अब इन सब का एलसीएम लोगे आप तो जाहिर सी बात है वो 1 से भी 2 से भी 3 से भी 4 से भी इस तरीके से सबसे डिविजिबल होगी, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो भाई देखिए इसका तो सेम ही रहेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, इसको 2 × 3 कर देता हूँ, 7 का 7 रहेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 × 2 ये हो जाएगा। अब ले लो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं 2 का 3 ले लेता हूँ क्योंकि है नहीं, तो 2 का 3 हो जाएगा, ये एलसीएम ले रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में देखिए यहाँ पर भी ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके बाद हमारा 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 4 आ जाएगा, 5 नहीं आया है, 7 नहीं आया है, उसके बाद 5 आ गया और 2 भी आ गया, ठीक है ना, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 8×6×35, तो ये कितना हो जाएगा, 8×45 = 48×35, तो इसका कितना आ जाना चाहिए हमारा, कितना होना चाहिए इसका, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4, 8×35 = 0, 8×6=32, 2×12=16, 0×4=20=24, 0, ये कितना था, फिर से करना पड़ेगा, 0, 4 था ये, तो ये 8 आ जाएगा, 8 तो नहीं आएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ये खिसक जाता है बार बार, 48, 8×45, 8×48, ठीक है, अच्छा ये, अरे ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 3×9 आएगा ना ये, 3×2=6 तो नहीं ना हो जाएगा, 2×3=8 हो जाएगा, 3×3=9 हो जाएगा, अब सही है, 8×9=72 होता है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 35×2=70 होता है, 7,
ठीक है, 7 5 35 हाथ से लगा, 3 7 21 22 24 24, 7 और जोड़ दो इसमें तो ये 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 25 20 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 25 20। ठीक है, तो 2520 ऐसी जो है वो 2520 न्यूनतम ऐसी संख्या है जो कि 1 से 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगी जो संख्याएं आती हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक वाहन 2.8 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है यहाँ पर, 56.42 किलोमीटर दूर जा रहा है। भाई 2.8 लीटर में कितना चल रहा है यहाँ पर, 56.42, 3.33 लीटर में वह कितनी दूरी चलेगा, तो 1 लीटर में आप निकाल लो यहाँ पर 56.42 / 2.8, तो हमें इसका निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 3.33, यहाँ पर भी 3.33, तो इसका कितना आना चाहिए, इसको आप कर लेना। वैसे जहां तक आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन है, 67.00959 कुछ ऐसा आएगा, पर हम अप्रोक्स हमें लेना है दरअसल, तो इतना आ जाएगा, इतनी किलोमीटर जो है वो दूर चल, बस इतना से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की परिधि हमें दी हुई है यहाँ पर 64, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः हमें दे दी है 5:5:3, तो हमें बतानी है चौड़ाई बतानी है। तो देखिए, आपको पता है कि आयत की जो परिधि होती है वो चारों भुजाओं का योग होता है, एल और बी, यानी 2 × L + B, ये हमारी क्या होती है, पैरामीटर होता है, पैरामीटर परिधि। तो हमें यहाँ पर लंबाई तो हमें दी दी है 5 और चौड़ाई हमें दी दी है 3, तो 2 × 5x मान सकता हूँ इसको, 3x मान सकता हूँ, और ये किसके बराबर है, हमारी 64 के बराबर दी हुई। तो देखिए, इसको मैं काट देता हूँ, ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, एक काम करते हैं 8 से काट देंगे सीधा, 2 × 8x = 64, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 4 आएगी। हमसे पूछा गया है चौड़ाई, चौड़ाई हमारी कितनी है 5x, तो ये तो लेंथ है, और 3x जो है ये क्या है, ब्रेथ, चौड़ाई, तो ये 3x मतलब 3 × 4 कर दो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, सैम के द्वारा की जाने वाली चीनी की खपत सैंडी से 25% अधिक है, सैंडी द्वारा की जाने वाली चीनी की खपत सेम से कितने प्रतिशत कम है, आसान है ना, 25% कम अधिक है, तो भाई 25/125 कर दो इसको, × 100 कर दो, 20% आ जाएगी। ठीक है, 20% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये तो आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, तो परसेंटेज का मेरे एक वीडियो पढ़ा हुआ है जो मैं ग्रुप फोर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप फोर का उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लेना, परसेंटेज पे ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं कि किस तरीके से आपको ऐसा करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही, और थोड़ा आप जो है वो इसमें एडवांस लेवल का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है वो स्टैंडर्ड अप डाउन हो जाता है, बट देखते हैं, बट आपको इस पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं तो उनको आपको कवर करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एंड चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ए का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5x है, वही ए का जो न्यूनतम गुणनखंड है 5 है, तो मैंने मान लिया कि 5x है ना गुणनखंड, न्यूनतम भाई गुणनखंड है, तो x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम हमारा 5 है, ये क्या है हमारा, ये अभाज्य है, तो ऑड होगी, मतलब ऑड संख्या है ना ये, ऑड। इसी तरीके से आप बी देखोगे, बी का न्यूनतम अभाज्य 7 है, तो ये मान्य मान लिया है। अब आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, अगर ऑड प्लस ऑड जोड़ता हूँ मैं तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, इवन मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती, जैसे कि अगर मैं 1 + 3 करता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा, ठीक है ना, 1 + 5 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, तो ऑड ऑड मिलके इवन बनाती है, तो ये ऑड है दोनों ही, है ना, अभाज्य जो रहेंगी वो ऑड संख्याएं होंगी, इवन तो भाई संख्या डिविजिबल होती है, आप कोई भी इवन संख्या ले लो, सम संख्या ले लो, वो संख्या किसी ना किसी डिविजिबल होगी, लेकिन ऑड कुछ संख्या ऐसी होती है जो डिविजिबल नहीं होती, जैसे 43 हो गई, है ना, ये डिविजिबल नहीं हो जाएगी, तो ये ऑड हो जाती है, तो इन सबको आप देखोगे यहाँ पर 5x + 7 है, 7y, अगर मैं ऑड और जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, इवन मिलना चाहिए, और इवन में न्यूनतम आवाज कौन सा होना चाहिए, न्यूनतम, तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 2 × 3, यानी आप देख रहे हो 2 सबसे न्यूनतम ऐसी संख्या होगी जो कि इनका न्यूनतम आवाज गुणनखंड होगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था,
कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बन जाता है, पर अच्छे क्वेश्चन था ये। ओके, और प्लस और इवन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, एक घनीय बहुपद के शून्य हमें दिए हुए हैं। दरअसल 3 माइनस 7 -6 7 तो हमें x का गुणांक हमें निकालना है। देखिए घनीय जो पॉलिनोमल बहुपद होते हैं तो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है स्टैंडर्ड जो है वो पॉलिनोमल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर से होते हैं, पॉलिनोमल की बात की जाए तो ये इक्वेशन होता है। अब इसमें जो रूट दिए हुए हैं ये शून्य दिए हुए हैं, मतलब रूट शून्य मतलब रूट दिए होते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू आपको पता है, क्वाड्रेटिक ये जो पॉलिनोमल होता है उसके रूट क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इसी की वैल्यू हमें दी है, ये 3 दी हुई है, ये -6 दी हुई है, ये 7 दी हुई है। अब आपको इसमें से बताना है कि एक्स का गुणांक हमें कैसे, अब यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक सी है तो सी की वैल्यू हमें पता करनी चाहिए पहली बात। तो सी की वैल्यू आप कैसे पता करो, तो एक चीज होती है कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, -B/A होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस प्लस बीटा इंटू गामा, और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है हमारा, C/A होता है ना। और क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है -D/A, हमारा C/A होता है। अब यहाँ से हमें देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें हम रख देंगे सीधा सीधा सा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपको -B/A, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यानी इन तीनों को जोड़ दो, 3 -6 + 7, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, यानी B/A की वैल्यू हमें -4 प्राप्त हो गई। ओके, अब यहाँ से किसकी निकालेंगे, C/A की, C/A, तो अल्फा इंटू बीटा यानी ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का 7 6 42 और 7 21 प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, -18 और -21, ये हो रहा है हमारा कितना, 9 39 है ना। तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि C/A की वैल्यू दी हुई है -39, ठीक है ना। इसके बटे में एक मान सकते हो क्योंकि ए की वैल्यू एक हो जाएगी, तो वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सा आप समझो कि कभी भी कोई भी, अगर मैं 4 लगता हूँ तो एक से डिवाइड करूंगा तो वो 4 ही आएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ से देखिए हमें किसकी, D/A की, -D/A, तो इनके सबका मल्टीप्लाई करोगे, 3 -6 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो माइनस माइनस तो पहले काट दो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा 36 42 × 3 यानी हो जाएगा 3 × 6 यानी 12, 126 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर D/A बराबर आ जाएगा 126। अब यहाँ से देखिए B की वैल्यू हमें पता पड़ गई, यहाँ से B की वैल्यू -4 है, C की वैल्यू यहाँ पर आप देखोगे -39 है, D की वैल्यू 126 है, और A की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, क्योंकि A का वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर सब में जो है वो डिविजिबल है, तो एक से डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगी। अब हमसे देखिए ये इक्वेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर 1 आएगा, B की वैल्यू कितनी है, -4 है, C की वैल्यू आप देखो कितना, -39 है, और D की वैल्यू है 126। हमें X का गुणांक पूछा गया था, X का गुणांक हमारा कितना है, C की जगह मैं -39 रखूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 39, -39, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था ये वाला, तो याद रखना आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के, एंड आप लोग आगे की वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, एंड जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी के क्लासेस हैं तो आप लोग जो अन्य क्लासेस ले रहा हूँ मैथ्स की, तो वो आप जरूर अटेम्प्ट कर लिया करें। इसमें कुछ टॉपिक अलग है, जैसे कि एडवांस मैथ्स थोड़ा इंक्लूड किया गया है, पॉलीनोमियल हो गया, ये सब चीज़ें ठीक है ना, बाकी सब तो सेम ही रहता है। अर्थमेटिक जो है वो सब में सेम ही आता है। आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखोगे इसमें, तो उसमें मैथ्स शामिल है, मैथ्स जो है वो अर्थमेटिक शामिल है। दरअसल रीजनिंग अलग होती है और मैथ्स में अर्थमेटिक, तो ये दोनों मिक्स कर दिया उन्होंने। रीजनिंग के भी सर 15 क्वेश्चन आते हैं आपको, तो 15 15 30 नंबर आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, बस आप थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जितने भी दिन बचे हुए हैं आपको अच्छे से मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।